हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी हॉस्टेंडर शिफाली शर्मा, वेलकम टू पूनम 2.0। आज मैं आपको चांदनी चौक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में सदर के बारे में आपको बताया था, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चांदनी चौक के बारे में कि चांदनी चौक कैसे आया जाए, वहां पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और किस तरह की चीजें वहां पर मिलने वाली है और कौन कौन सी शॉप वहां पर अवेलेबल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चांदनी चौक आया कैसे जाए। आप किसी भी राज्य से आ रहे, चाहे हिमाचल से आ रहे हैं, चाहे पंजाब से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, या कहीं से भी आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, किसी भी राज्य से अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्रेन से ही आप आए, वहीं प्रेफर करें। चीप एंड बेस्ट जो है यहाँ का जो फेयर रहने वाला है। उसके साथ आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं, मगर सबसे जो पास पड़ेगा चांदनी चौक के लिए वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है। जब आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो सामने जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको चांदनी चौक नजर आ जाएगा। विद इन 5-10 मिनट्स का डिफरेंस है जिसमें आप वहां पर पहुंच सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं। अगर आप रहना चाहें तो वहां पर आपको फुहारा चौक के पास ही काफी सारी धर्मशाला और होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, काफी अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। मगर मैं आपको प्रेफर करूंगी आप पहाड़गंज की साइड जाएं, वहां पर आपको काफी अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह रहने को मिल जाएंगे। सो जब आप रहने के लिए हो गया तो आप चाहते हैं कि शॉपिंग कहाँ से करेंगे हम, वहां पर बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वहां पर जो गलियां हैं उनको हम कटरा नाम देते हैं, तो जैसे वहां पर गली हो जाएगी शहनशाही गली, कटरा नवाब, कटरा मोती बाजार, खजांची गली, गली घंटियाल, तो ये सब वहां पर आपको अवेलेबल होने वाली है। तो अगर जैसे मैं बताना चाहूँ वहां पर बहुत सारे सूट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लहंगे मिल जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक चीज आपको बताऊं कि कहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं नई सड़क की। जी हाँ, नई सड़क पर वहां पर अरुण वस्त्र भंडार है, वो पूरी जो सड़क कहलाती है नई सड़क ही कहलाती है। वहां पर आपको होलसेल में सूट, साड़ी और लहंगे अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपको होलसेल में परचेजिंग के लिए चाहिए। काफी अच्छी अच्छी वेराइटीज वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ वहां पर आपको एशियन फैब्रिक वहां पर मिल जाएगा। कहते हैं जितने भी व्यापारी हैं दिल्ली के या आउट ऑफ दिल्ली के, वो वहीं एशियन फैब्रिक से ही जो है फैब्रिक लेते हैं। काफी अच्छा फैब्रिक जो है वहां से मिलता है और काफी अच्छी अच्छी क्वांटिटी में और काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस पर वहां से जो है मिलता है। तो कपड़ों की अगर हम बात करें, कपड़ों के लिए चांदनी चौक सबसे मशहूर जगह है। शादी ब्याह होते हैं तो हम सोचते हैं चलिए हम लहंगा लेंगे चांदनी चौक से लेंगे, लेन देन के सूट लेंगे तो हम कहते हैं चांदनी चौक से ही लेंगे। तो काफी सारी वहां पर जैसे कटरा नवाब गली वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर भी आपको जो है गाउन्स मिल जाएंगे, लहंगे मिल जाएंगे। हर गली की अपनी अपनी एक खासियत है, जैसे मोती बाजार है उसकी खासियत है कि वहां पर जो है शॉल ही शॉल मिलती है। जी हाँ, अगर आपको पश्मीना शॉल चाहिए या अलग वेराइटी की शॉल चाहिए, वूलन शॉल चाहिए, तो मोती बाजार सबसे ज्यादा फेमस शॉलों के लिए ही है। अब चलते हैं गली खजांची। गली खजांची मेन रोड पर ही आपको मिल जाएगी। कहा जाता है नवाबों के टाइम में जो खजांची होते थे वो उसी गली में रहते थे, इसलिए उस गली का नाम जो पड़ गया गली खजांची पड़ गया। तो गली खजांची में अगर आपको रिटेल में लहंगा चाहिए तो उत्तराचल वाले जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे, उत्तराचल वालों की शॉप है, यहाँ पर आपको रिटेल में लहंगे मिल जाएंगे। जी हाँ, रिटेल में लहंगे मिल जाएंगे, वन पीस भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको उत्तरांचल वालों की शेरवानी भी मिल जाएगी। दूल्हे के लिए अगर हमें शेरवानी चाहिए चीप एंड बेस्ट रेट्स पर तो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं रिटेल में बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, इस तरह की साड़ी अवेलेबल करवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो बनारसी सिल्क स्टोर है वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है वो स्टोर, और काफी अच्छी अच्छी वेराइटीज जो है साड़ीज की अवेलेबल हो जाती हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर बनारसी साड़ी स्टोर का जो है काफी सारी वीडियोस है, मैं लिंक भी आपको जो है इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद हम अब गलियां तो मैंने आपको बता दी कि अलग अलग वेराइटी यहाँ पर मिलती है। अगर आप मेन रोड पे ही पूरा घूमते हैं तो वहां पर आपको जो है परांदियां भी मिल जाती हैं। जी हाँ, कटरा नवाब एक है वहां पर, बिल्कुल एंड में जाके वहां पर आपको जो है परांदियां अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगी। जैसे पंजाबी स्टाइल चलता था पुराने जमाने में, उस तरह की परांदियां आपको मिल जाएंगी। ज्वेलरी वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो दरीबा कला वहां पर सबसे फेमस शॉप है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और साथ ही साथ अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं,
सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो दरीवा कला में ही काफी आपको होलसेलर जो है गोल्ड और सिल्वर के मिलने वाले हैं। काफी अच्छी अच्छी वेराइटीज वहां पर मिलती है क्योंकि सबसे पुरानी मार्केट है। और अगर मैं कहूं कि अगर लेने देने के जेंट्स की वेरायटी कहाँ से मिले, अगर जेंट्स की हमें धोती की वेरायटी चाहिए, सफारी सूट की वेरायटी चाहिए, कोट पैंट की वेरायटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर करने वाली हूँ। उसमें हीर जी टेक्सटाइल करके शॉप है, आप वहां से लिंक शेयर करके देख सकते हैं। वहां पर आपको जेंट्स की ऑल वेरायटीज जो है अवेलेबल हो जाएगी लेने देने के लिए। अगर जैसे लेना चाहें या पर्सनली लेना चाहें तो हीर जी टेक्सटाइल सबसे फेमस है और सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम सूट्स कहाँ से लें, तो सूट जो है राधा कृष्णा टेक्सटाइल है, जहां पर सूट मात्र 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और काफी अच्छी अच्छी वेराइटी जो है सूट्स की आपको अवेलेबल हो जाएगी। कटरा नील में आपको पड़ेगा, इनका एड्रेस भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर जो है शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद बहुत सारी शॉपिंग हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नई सड़क पर भी आपको लहंगे ही लहंगे मिलने वाले हैं, मेन रोड पर भी आपको मोस्टली रिटेल का ही वहां पर मिलेगा, कुछ वहां पर जो है पटरी पर भी जो है बाजार लगा रहता है, कहीं पर आपको झुमके मिल जाएंगे, कहीं पर आपको ज्वेलरी काफी अच्छी तरीके की मिल जाएगी, कहीं पे स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, मतलब मजा ही आने वाला है आपको चांदनी चौक में। अगर हम कहते हैं कि बात करते हैं कि चलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। भगीरथ पैलेस जो है सबसे फेमस जगह है वहां पर, तो भगीरथ पैलेस जो है सबसे फेमस है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। वहां पर आपको झूमर मिल जाएंगे, काफी फैंसी झूमर्स मिल जाएंगे, एंटिक झूमर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वायर्स वहां से ले तो वहां पर आपको जो है भगीरथ पैलेस में मिलने वाली है। मतलब चाहे आप स्पीकर लेना चाहें, मोबाइल एक्सेसरीज लेना चाहें, लाइट्स लेना चाहें, दिवाली की लाइट्स जो हम लेते हैं वो भगीरथ पैलेस में ही मिल जाएंगी। काफी सारी शॉप्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज लेना चाहते हैं, प्राइजेस कैसे लेना चाहते हैं, वो चीज आप देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी बिल्कुल सूझबूझ से ही जो है बिल्कुल सामान लें और फिर उसके बाद चलते हैं। चलो बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी है, अब लगती है भूख। अब भी भूख कैसे नहीं लगेगी, बहुत सारी शॉपिंग जो की है हमने। अगर मैं बात करूं परांठे वाली गली, परांठे वाली गली सबसे ज्यादा फेमस है और कौन नहीं जानता परांठे वाली गली। और परांठे वाली गली के जो परांठे होते हैं वेरी डिलीशियस, पूरी गली जो परांठे वाली गली है वहां पर आपको परांठे ही परांठे मिलने वाले हैं। अलग अलग तरह के परांठे हो जाएंगे, हमने आलू के परांठे सुने हैं, प्याज के परांठे सुने हैं, पनीर के परांठे सुने हैं, वहां पर गाजर तक के परांठे मिल जाएंगे, मेथी के परांठे मिल जाएंगे। और जो वहां पे जो सर्विंग सिस्टम है वह बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वहां पर जो है आपको जलेबी जो है ऑन रोड ही मिल जाएगी। जलेबी वहां पर सबसे ज्यादा फेमस होती है, देसी घी में जो जलेबी बनाते हैं, जो उसका स्वीट मतलब बहुत ही डिलीशियस होता है वो। और जैसे कि कहते हैं अगर मुंह में आप लेके जो एकदम ग्लप हो जाता है और इस तरह का टेस्ट है उसका बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत फूडी हूँ, जब भी मैं चांदनी चौक जाती हूँ तो मैं अलग अलग वेरायटी की चीजें वहां पर जो हूँ टेस्ट करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। वहां पर रसमलाई भी मिल जाएगी आपको, बहुत सारी चीजें जो है मिल जाएगी। अब जैसे नटराज वाला है, वहां पर नटराज में भी आपको दही भल्ले जो है मिल जाएंगे, सबसे फेमस चाट वाला है। और वहां पर जो दही भल्ले है ऑसम। और जैसे कि मैंने आपको बताया बनारसी सिल्क स्टोर है, उसके साथ वाली शॉप ही जो है लस्सी वाली शॉप है, वहां पे रस मिलाई भी आपको मिल जाएगी, काफी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। और काफी पुरानी शॉप है, 60-70 साल पुरानी शॉप है वो, और काफी अच्छी शॉप है। वहां की जो टेस्ट जैसे अगर मैं कहूँ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो मैंने आपको चांदनी चौक की काफी सारी वैरायटीज बताई हैं और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी किनारी बाजार। जी हाँ, किनारी बाजार को हम कैसे भूल सकते हैं, किनारी बाजार तो हमारी शान है। तो शान और आन बान शान में वहां पर क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप इसको लाइक्स को 100 लाइक 1000 लाइक्स तक पहुंचाते हैं तो मैं और ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। सो फिर मैं चलती हूँ किनारी बाजार में। तो चलिए किनारी बाजार, अगर इमेजिनेशन करना चाहूँ किनारी बाजार की, तो किनारी बाजार में आपको काफी सारी लटकन्स मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए मैंने सूट पहना हुआ है, इस तरह की गोटा पत्ती जो है या गोटा जो है वो आपको मिल जाएगा। या आप कोई ड्रेस लेना चाहते हैं सिंपल सोबर और उसके ऊपर कुछ पैचेस लगाना चाहते हैं, वो सारे पैचेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। लटकन मिल जाएगी, काफी अच्छी अच्छी चूड़ियां वहां पर मिल जाएंगी, छोटी मोटी ज्वेलरी वहां पर मिल जाएगी किनारी बाजार में। और अगर मैं कहूँ ना गोटा की वैरायटी, चाहे वो झूमर वाला गोटा हो, घुंघरू वाला गोटा हो, थ्रेड वाला गोटा हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हर तरह की वैरायटी जो है वहां पर किनारी बाजार में आपको मिल जाएगी।
सो मैंने काफी सारी आपको बताई हैं, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। कुछ लिंक जो है मैं आपको वीडियो के शेयर करने वाली हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन पे, जिसमें आप स्पेसिफिक जगह जाकर जो है सामान ले सकते हैं। आप चांदनी चौक आए तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे चुकी हूँ कि कहाँ पर रहना है, कहाँ पर क्या करना है, और अपनी सूझबूझ से ही सामान खरीदें। बट जो मैंने आपको शॉप्स बताई हैं वो काफी अच्छी शॉप है, वहां पर आपको रिजनेबल प्राइस और फैब्रिक जो है काफी अच्छा ही मिलने वाला है। सो काफी सारी बातचीत होगी चांदनी चौक के ऊपर, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।